गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर ईवीएस बुक एंड चैप्टर नेम इज माय फैमिली फ्रेंड्स आई एम आदित्य दोस्तों मैं आदित्य हूँ दिस इज माय यंगर सिस्टर मीना ये मेरी छोटी सिस्टर मीना है वी लिव विद आवर पेरेंट्स हम अब जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं अपने माता पिता के साथ रहते हैं आवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली जो हमारा परिवार है एक छोटा परिवार है स्मॉल फैमिली मीन्स बेटा छोटा परिवार वी लिव हैप्पली विद आवर पेरेंट्स जो हम अपने माता पिता के साथ है पेरेंट्स के साथ है खुशी से रहते हैं आवर मदर एंड फादर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स हम अपने माता और पिता को टुगेदर इकट्ठे क्या बोलते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा उसको पेरेंट्स नेक्स्ट बेटा आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है अपनी फैमिली के बारे में फर्स्ट बेटा दिया हुआ है आपको योर नेम यहाँ पे ब्लैंक जो स्पेस है बेटा इस यहाँ पे सभी ने अपना अपना नेम फिल करना है नेक्स्ट है योर फादर नेम नेक्स्ट बेटा आपने यहाँ पे अपने फादर का अपने पापा का नाम फादर का नेम लिखना है नेक्स्ट योर मदर नेम यहाँ पे सब बच्चों ने अपनी अपनी मदर का नेम लिखना है नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ योर सिस्टर एंड ब्रदर यहाँ पे अपने नंबर लिखने हैं आपके कितने भाई या बहन हैं ठीक है नेक्स्ट है बेटा ही इज़ राहुल ये राहुल के बारे में बताया है और उसकी फैमिली की एक पिक्चर बनाई हुई है ठीक है ही हैज़ वन सिस्टर एंड वन ब्रदर उन्होंने बताया राहुल की एक सिस्टर है और एक ब्रदर है उसका हिज फैमिली इज बिग वन उसका एक परिवार बड़ा परिवार है अ फैमिली दैट हैज़ मोर देन 4 मेंबर्स इज कॉल्ड बिग फैमिली एक फैमिली में जिसमें मोर देन 4 मेंबर जिसमें 4 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं एक बिग फैमिली उसको एक बड़ा परिवार बोलते हैं नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है अ ज्वाइंट फैमिली दिस इज अ ज्वाइंट फैमिली इन दिस फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर एक ज्वाइंट फैमिली में बेटा कौन कौन रहता है ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं दादा दादी रहते हैं अंकल आंट्स रहते हैं चाचा चाची और पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं एंड कजन्स लिव टुगेदर ये सभी एक साथ रहते हैं इस फैमिली को क्या बोलते हैं बेटा ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं अ ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो अ बिग फैमिली जो एक ज्वाइंट फैमिली होती है ये भी एक क्या होती है एक बड़ा परिवार होता है ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो बिग फैमिली नेक्स्ट बेटा आज हमने इसकी बैक एक्सरसाइज भी करनी है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट है आवर मदर एंड फादर टुगेदर आर कॉल्ड डैश जो माता पिता इकट्ठे होते हैं माता और पिता को मदर और फादर को इकट्ठे क्या बोलते हैं बेटा फैमिली पेरेंट्स या बोथ तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं तो पेरेंट्स पर बेटा टिक करना है नेक्स्ट है अ फैमिली हैविंग मोर देन 4 मेंबर्स इज कॉल्ड डैश एक फैमिली में जिसमें 4 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसको कौन सी फैमिली बोलते हैं बिग फैमिली स्मॉल फैमिली या ज्वाइंट फैमिली तो बेटा क्या बोलते हैं उसको बिग फैमिली नेक्स्ट थर्ड है बेटा राहुल हैज़ डैश सिस्टर्स लास्ट हमने पीछे पढ़ा ना राहुल की इस चैप्टर में कितनी सिस्टर है 1, 2 या 3 राहुल की कितनी सिस्टर थी 1 थी ना तो 1 पर टिक करना है नेक्स्ट बेटा हमने करने हैं फिलिप्स माई फादर एंड ब्रदर इज माई डैश माई फादर्स ब्रदर जो हमारे फादर के ब्रदर होते हैं जो फादर्स के ब्रदर होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं अंकल लगते हैं ना जो फादर के हमारे फादर के अगर बड़े भाई हो तो हमारे ताया जी छोटे हो तो चाचा जी तो उसको इंग्लिश में क्या अंकल बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट बेटा है माई मदर सिस्टर इज माई डैश जो मदर की सिस्टर होती है वो हमारी क्या लगती है आंट नेक्स्ट थर्ड है बेटा माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई डैश जो अंकल के बच्चे होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं कजन्स लगते हैं नेक्स्ट फोर्थ है बेटा अ स्मॉल फैमिली हैज़ डैश मेंबर्स अ स्मॉल फैमिली एक छोटे परिवार में कितने मेंबर्स होते हैं 4 मेंबर्स होते हैं नेक्स्ट बेटा हमने करनी है ट्रू फॉल्स वी लिव हैप्पली विद आवर पेरेंट्स हम अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहते हैं तो क्या आएगा बेटा ट्रू नेक्स्ट है सेकेंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के बच्चे हैं तो गलत हुआ ना बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स आएगा सेकेंड पे थर्ड है कजन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल जो कजन्स होते हैं वो हमारे अंकल के बच्चे होते हैं तो यस तो यहाँ पे ट्रू आएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ नाइस डे